गाइस वेलकम टू आवर चैनल ओएफटीटीडी के नाम से नाक्षी। ये वीडियो एक डिफरेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको अपनी फेवरेट आईलाइनर्स एंड लिपस्टिक जो अंडर 500 की रेंज में है एंड मुझे बहुत पसंद है एंड मैं उनके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करती। क्या सो आई स्टार्ट विद द लिपस्टिक्स। हाँ, मेरी डाई हार्ट फेवरेट लिप ग्रेडिशन मो वन जो है 500 की। बाय गॉड ये मैं लिटरली जब से लाई हूँ मैं ऑलमोस्ट डेली इसको लगाती हूँ, डेली। लाइक मुझे इसके अलावा और कोई कलर इतना पसंद नहीं आया। ये कलर थोड़ा ब्राउनिश मोविश एंड न्यूडिश है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, बट बहुत सुंदर कलर है। इवन मेरी फ्रेंड को भी ये कलर बहुत पसंद आया था तो वो भी ये यूज़ करती है। देन मेरी ये दो फेवरेट मिस क्लेयर की, वन इज 17A एंड वन इज 18। 17A बिल्कुल न्यूडिश एंड ब्राउनिश कलर है जो हर एक चीज़ के साथ चला जाता है। मैं आराम से, लाइक अगर मेरा मूड नहीं है ज़्यादा डार्क कलर लगाने का तो मैं ये लगाती हूँ। बट 18 में ये है कि अगर मुझे थोड़ा सा गुलाबी भी नहीं जामुन टाइप कलर चाहिए तो इट्स अ मस्ट कि अगर मैं लाइक मेरे कपड़ों के साथ मैचिंग भी ना हो तो कंट्रास्ट के साथ मैं ये ज़रूर लगा लेती हूँ। एंड ऑलमोस्ट मेरी ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक्स हैं ये। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द लिपस्टिक मेरी है फेवरेट कलर जो कि क्रीमी मैट लिप कलर M304 मिस्टीरियस मोका, और लाइक बिल्कुल न्यूडिश कलर। मेरे को और कुछ पसंद ना आए तो बस यही लगाओ और चले जाओ लिटरली, और कुछ कोई और कलर कपड़ों के साथ मैच ना कर रहा हो ये लगाओ, ख़त्म करनी बस। तो ये मेरी चार फेवरेट लिपस्टिक्स है। लाइक ऑलमोस्ट कभी मैं डेली ये लगाती हूँ, कभी मैं डेली ये लगाती हूँ, कभी ये एंडलेस। मुझे और कोई कलर पसंद ही नहीं आता डार्क इन कलर्स के अलावा, ठीक है। देन नेक्स्ट है मेरे आईलाइनर्स जो सबसे फेवरेट हाइपर शार्प लाइनर। आई डोंट नो कि ये शॉप्स में अवेलेबल क्यों नहीं है, ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट ये कभी वापस स्टॉक आएगा या नहीं, बट ये ऑनलाइन अवेलेबल है। लिटरली मेरी जान में जान आई थी जब मैंने इसको ऑनलाइन अवेलेबल देखा, क्योंकि मुझे लाइक जहाँ से हम नॉर्मल सामान लेते हैं कॉस्मेटिक्स का वहाँ नहीं मिला था, एंड देन मैंने न्यू यू पे भी देखा था, वहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक था ये। तो आई एम रियली हैप्पी कि ये मुझे मिल गया। इसका टिप बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को कोई पता है लाइनर जिसकी टिप बिल्कुल ही ऐसी है हाइपर शार्प की तरह ब्रश वाली, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे लिटरली ऐसे में चाहिए बिल्कुल पेन में, एंड इसकी टिप भी ब्रश वाली होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच अगर आप मुझे बता दो ऑलरेडी, ठीक है। एंड ये वाटर प्रूफ भी है विच इज़ रियली गुड। मैं ऑलमोस्ट यही डेली लगाओ ख़त्म करो पानी, मैं कुछ नहीं लगाती थी। देन कलरबार के ये है कलरबार आई ग्लाइड आई पेंसिल आई ग्लाइड क्रेयॉन पॉर, ठीक है, और है एमनी स्पार्क 011 011 एंड सेम रेंज का कलरबार का प्रोनेला 05 आई ग्लाइड पेंसिल। मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। अगर लाइक मैं हल्का से इसको यहाँ लगा लूँगी एंड लोअर लिड पे भी बहुत सुंदर लगता है ये दोनों। मुझे और कोई मन नहीं किया ये लगा लिया ब्लैक के अलावा। लाइक अगर मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग हो रहा है गो फॉर इट ये दोनों। देन अगर मुझे वैसे में नहीं जाना, ज़्यादा आलस चढ़ रहा है, फटाफट से टैन ऑफ लंदन लेती हूँ अपना काजल एंड उसको एज अ आई लाइनर लगा लेती हूँ। एंड बट ये स्मज हो जाता है अगर ऊपर अगर आपकी लिड काफ़ी ऑयली हो रखी होती है, बट अगर ज़्यादा ऑयली नहीं हो रही तो इट्स रियली गुड कि आराम से लगाओ आई लाइनर की तरह ख़त्म करो काम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हाइपर मैट लिक्विड लाइनर। ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। लाइक और कोई मुझे इतना पसंद नहीं आया ये, बट अच्छा है। तो अब मैं आपको इनके रेट बताती हूँ। ये था 325 का लाई थी मैं। ये
डायन ऑफ लंदन का लाइक 399 इसका एमआरपी इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाइपर शार्प है तो 425 का, एंड ये कलर वायर की भी 425 या 450 के अराउंड की रेंज की हैं आई लाइक पेंसिल्स। देन क्रीमी मैट शायद 325 या 350 की रेंज की है। देन इसका मैं आपको लिक्विडेशन क्वालिटी बता चुकी है, 500 का है। एंड मिस क्लियर 150 की इसकी एमआरपी है, बट शॉपर शॉप वेरी करेगा कि ये कितने की है, लाइक अप टू 150 300 तक की अलग अलग शॉप्स पे मिलती है, तो ट्राई एंड फाइंड किया अगर आपको लाइक 150 में मिल जाए, राइट। सो यही मेरी फेवरेट चीज़ें थी आईलाइनर एंड लिपस्टिक्स में। अगर आपके भी ये फेवरेट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, आई वुड रियली लव टू नो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ बिट हेल्पफुल। So don't forget to subscribe to our channel, hit the like button, share the video with your friends, and don't forget to follow me and Ishma on Instagram, Twitter and Snapchat. Alright, so I'll see you next time. Okay then, bye!